हेलो दोस्तों, मैं अवध और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज के एक और नए वीडियो में। जी हां दोस्तों, 18 साल से नंबर वन अजय देवगन और सलमान सात सुपरस्टार की एक साथ होगी कड़ी टक्कर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जब भी बात नंबर वन की होती है तो हमारे सामने कई सुपरस्टार्स के नाम आते हैं। सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और आमिर खान इस फहरिस्ती में टॉप पर आते हैं, लेकिन इन सबको कड़ी टक्कर देते हुए जो पिछले 18 साल से नंबर वन बने हुए हैं वो है अमिताभ बच्चन। टीवी की दुनिया में खान हो या कुमार, यहां तक कि देवगन भी अपना दम उतना नहीं दिखा पाए जितना अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति के जरिए किया है। 3 सितंबर यानी कि आज से केबीसी अपने 10वें सीजन के साथ आगाज कर रहा है। इस बार केबीसी के मंच पर कई नई टेक्नोलॉजियों के साथ गेम खेला जाएगा। वहीं इस बार शो में फिल्मों का प्रमोशन नहीं किया जाएगा बल्कि समाज के रियल हीरो की दस्तक हर शुक्रवार को शो में होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब केबीसी के मंच पर ज्ञान के मामले में आखिर सलमान, शाहरुख, आमिर और अजय देवगन के बीच किसने जीती बाजी? नहीं ना, हम बताते हैं। यहाँ देखिए, पहला नाम आता है अजय देवगन और काजोल का। अजय देवगन और काजोल की जोड़ी ने केबीसी में 1 करोड़ रुपए जीते थे। वो पहले ऐसे सेलिब्रिटी थे जिन्होंने 1 करोड़ जीते। दूसरा नाम आता है सलमान खान का। सलमान खान और कैटरीना कैफ केबीसी के सेकंड सीजन में आए थे। इन दोनों ने मिलकर 50 लाख रुपए जीते थे। इस लिस्ट में तीसरा नाम है करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा। करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा ने इस गेम को साथ खेलकर 50 लाख रुपए जीते थे। इस लिस्ट में चौथा नाम आता है आमिर खान का। आमिर खान ने केबीसी के मंच पर 50 लाख जीते थे। 5वें नंबर की लिस्ट में कई सारे स्टार्स मौजूद थे जिनके नाम है अभिषेक बच्चन, शाहरुख खान, हैप्पी न्यू ईयर की टीम यानी कि अभिषेक बच्चन, शाहरुख खान और बाकी की फिल्म की कास्ट ने मिलकर 12,50,000 जीते थे। 6वें नंबर पर आती है माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित इस गेम शो में अकेले खेलने आई थी और उन्होंने 50 लाख जीते थे। और 7वां नाम है शिल्पा शेट्टी का। शिल्पा शेट्टी इस सीजन के केबीसी का हिस्सा बनी और उन्होंने 25 लाख रुपए जीते थे। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कुछ दिलचस्प बातें केबीसी के बारे में। कौन बनेगा करोड़पति पहला भारतीय रियलिटी क्विज शो है जो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ। केबीसी का पहला एपिसोड 3 जुलाई सन 2000 में प्रसारित किया गया था और ये शो तब से लेकर आज तक चला आ रहा है। तो के अब तक कुल 9 सीजन प्रसारित हो चुके हैं और 10वें सीजन का प्रसारण सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर 3 सितम्बर से शुरू हो चुका है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अमिताभ ही हमेशा से शो के होस्ट है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। शो का 3रा सीजन शाहरुख खान ने होस्ट किया था, लेकिन उसके पहले और उसके बाद से ही अब तक अमिताभ ही इस शो को होस्ट करते चले आ रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति टीवी इंडस्ट्री का सबसे चर्चित रियलिटी क्विज शो है। शो में इस बार काफी कुछ नया है। शो का बुनियादी फॉर्मेट पहले जैसा ही होगा, लेकिन कुछ चीजें नई हैं। शो में पहली बार केबीसी करमवीर सेगमेंट शुरू किया गया है जो कि हर शुक्रवार को आएगा। इस सेगमेंट में कुछ ऐसे लोगों की कहानियां दिखाई जाएंगी जो समाज में सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहे हैं। शो में ऑगमेंटेड रियलिटी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तकनीक का मतलब है कि कंटेस्टेंट के आसपास एक आभासी वातावरण तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है केबीसी के 10वें सीजन को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट एंड नोटिफिकेशंस।